क्या नाम है आपका? हनुमंसा। डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हुए? हमारे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को हो गया आएंगे 23-24 साल नाम लिए को। हमारा तो पूरा विश्वास है पिताजी पे, नाम ज्ञान लिया तो हमारे को 23-24 साल हो गए। सारे काम पिताजी कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है? हाँ जी, हमारे मम्मी और मैंने इकट्ठे लिया था नाम, और पहले सभी ने ले रखा था। आज आप लोग कितना विश्वास करते हैं गुरुजी के? हमारे को तो बहुत विश्वास है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आपने कितनी बार विजिट किया है? जाते ही रहते हैं वैसे, कुछ टाइम बाद, जैसे 15 दिन बाद, महीने बाद, एक आधा राउंड तो लगाते हैं। तो वहाँ का आपको एनवायरनमेंट, माहौल कैसा लगता है? अब थोड़ा मन वो होता है, थोड़ा मन दुखी होता है, अभी पिता जल्दी आ जाए हमारे बीच। वैसे कैसा माहौल है, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है वहाँ पर? वहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा है, हमारा जैसे बच्चे पढ़े हुए हैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मेरी गुड्डू पढ़ी है स्कूल में, बेटा भी जाता था पहले 9th-10th में, वहाँ से किया। तो वहाँ का मतलब मेन मोटिव क्या है, क्या शिक्षा आप लोगों को वहाँ दी जाती है? वहाँ से शिक्षा यही दी जाती है, सभी से प्रेम करो, मानवता भलाई के काम करो, जिसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जैसे कोई भी गरीब की मदद करो, यही है। जो अलग अलग तरीके से एक टॉपिक दिखाया गया था वहाँ आश्रम के बारे में, वहाँ जाने वाली लेडीज़ के बारे में, आपका क्या मानना है? वो तो गलत है जी, वो तो गलत है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, वो तो किसी की साजिश कह सकते हैं, हमें साजिश कह सकते हैं ना इसमें। एलिगेशंस भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, उसके बारे में क्या कहूँ? हाँ जी, जितने भी आरोप उनके ऊपर हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? हाँ भी सर ये तो है तो गलत, क्योंकि जो मालिक इतना है अपनी, इतना उन्होंने मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आम इंसान तो कर नहीं सकता, वो तो खुद खुदा है, खुद खुदा है तो ही कर रहे हैं। पर किस तरीके के काम समाज के लिए गुरु जी ने किए हैं? उन्होंने जैसे किन्नर समाज को वो किया, मुख्य धारा में लाए हैं जैसे, और वैश्यावृत्ति को बेटियों की, जैसे बेटी बना के मैरिज किया है उनकी, गरीबों को मकान बना के दिए हैं, सेवा के काम काफ़ी कर रहे हैं, ब्लड डोनेट का हो गया, सारे काम कर रहे हैं। अब देखा जाए 3 साल हो गए हैं वो समाज के अंदर नहीं है, उनके सत्संग नहीं मिल रहे समाज को, तो अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बस वो पहले वाले गलत काम शुरू हो गए हैं, पहले तो सुधार था, जैसे नशा नीति में से काफ़ी सुधार आया था, अब फिर वही दोबारा से शुरू हो गए हैं, तो हम यही है कि अब मालिक जल्दी आ जाएं सतगुरु। ज़रूरत है सोसाइटी को उनकी? बहुत ज़रूरत है, जितने कहो उतनी कम है, हम तो दिन रात यही मालिक से अरदास करते हैं, अब जल्दी जल्दी आ जाओ अपने बच्चों पास। क्या मांग करोगे सरकार से आप? हम तो सरकार से यही करते हैं कि हमारे पिताजी निर्दोष हैं, उनको भेज दिया जाए।